हेलो फ्रेंड, आज हम दिखाएंगे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में डिजिटल साइन कैसे करता है। आइए दिखाता है एक एडमिट कार्ड का ऊपर कैसे हम डिजिटल साइन कर रहा है। ये एक एडमिट कार्ड है, जैसे ब्लैंक है, इसका ऊपर आज हम डिजिटल साइन अप्लाई करेंगे। ये है एडमिट कार्ड, पूरा ब्लैंक है, इसका हम डिजिटल साइन बनाएंगे। चलिए इसको क्लोज करता है। इस बार ओपन करना है इसको डिजी लॉकर। जिसका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है उसको डिजी लॉकर अकाउंट पहले बना लेना है। डिजी लॉकर में मेरा पहले से एक अकाउंट है, मैं इसी का भी ओपनिंग कर रहा हूँ। इधर मोबाइल नंबर है, आधार नंबर, किसी से भी लॉगिन कर सकता है। पहले मैं आधार नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद पिन दे के साइन इन कर रहा हूँ। यहाँ पर साइन इन करने के बाद OTP वेरीफाई होगा। OTP आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। OTP यहाँ पर देने के बाद फिर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपका डिजी लॉकर का होम पेज ओपनिंग होगा। ये आ गया डिजी लॉकर का होम पेज। यहाँ पर आयुष्मान भारत का एक नोटिस आएगा, उसका क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट अपलोड है। आपको जिस फाइल को डिजिटल साइन करना है उसको अपलोड फाइल से पहले अपलोड कर लें। मेरा ये जो अपलोडेड फाइल है इसी में डिजिटल साइन करेंगे। यहाँ पर जो ई साइन का लोगो है, ई साइन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा वेट करना है। अभी आ जाएगा नया पेज। इस पेज में अभी आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, UID टोकन किसी भी देखे कर सकता है। जिसका आधार से फ़ोन नंबर लिंक नहीं है वो ये इस काम नहीं कर सकता है। पहले मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आधार OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरा फ़ोन में आधार का OTP आ गया। अभी मैं आधार का OTP डाल रहा हूँ। आधार OTP डालने के बाद मेरे को सबमिट करना पड़ेगा। ये 6 डिजिट का आधार कार्ड OTP हो गया, डाल दिया, डिक्लेयर करना पड़ेगा, सबमिट करना है। लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद फिर बैक टू होम पेज आ जाएगा, जहाँ पर मैं पहले से फाइल अपलोड करके रखा था। डिजिटल लॉकर का होम पेज आ गया। ये पहले सेकंड लाइन में मेरा वो पेज डिजिटल साइन कंप्लीट होकर मेरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं डाउनलोड में क्लिक करना है। बस डाउनलोड क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा फाइल। थोड़ा वेट करना है डाउनलोड होने के लिए। डाउनलोड हो जाएगा। अभी इसको डाउनलोड हो गया, ये PDF हो गया, आ जाएगा। अब PDF को मैं ओपन कर रहा हूँ। PDF को मैं ओपन कर लिया। अभी भी इसको दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये मेरा वही सेम एडमिट कार्ड है। अब एडमिट कार्ड स्क्रॉल करके नीचे आएगा, एकदम सेम टू सेम आधार कार्ड में जो डिजिटल साइन है, सेम डिजिटल साइन यह आ जाएगा। ये डिजिटल साइन नाम, डेट, कब किया, सब पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो।